Good afternoon, everybody. I am Dr. Michelle Parikh. I am an orthopedic oncosurgeon from Mumbai. I have been trained in my orthopedic surgery and then I did my specialization in musculoskeletal oncology from Tata Memorial Hospital. And currently I practice in the Mumbai and surrounding regions. Today I would be speaking to you all about osteosarcoma, that is one form of bone cancer. So what is osteosarcoma? Osteosarcoma is a bone forming malignant bone tumor. Osteosarcoma एक हड्डी का कैंसर का प्रकार है जो बहुत ही खतरनाक प्रकार है, बहुत ही जानलेवा टाइप का प्रकार है, ठीक है। ये एक हड्डी का कैंसर है, बाकी अलग अलग कैंसर भी होते हैं, ये एक प्रकार है जिसके बारे में हम आज बातें करेंगे। ये आज हम डिस्कस करेंगे ऑस्टियोसार्कोमा क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसको कैसे हम पकड़ते हैं, हम कैसे इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, ये जिंदगी में इसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं और ये कितना आगे हमको तकलीफ दे सकता है या हम इससे कितना बच सकते हैं। तो ऑस्टियोसार्कोमा इट इज़ अ हाईली मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम मेसेनकाइमल बोन फॉर्मिंग सेल्स। इसका मतलब है कि ये हड्डी से बनने वाला एक प्रकार का कैंसर है जो हड्डी में दिखता है, हड्डी ही फेंकता है हड्डी के अंदर और खतरनाक तरीके से फैलता है, ठीक है। ये सबसे कॉमन प्रकार का हड्डी का कैंसर है और हड्डी में होने वाले कैंसरों में से सबसे सेकेंड कॉमनेस्ट है। जो पहला है वो मल्टीपल माइलोमा है जो खून के रास्ते में होता है और फैल के हड्डियों में आता है, जो सबसे कॉमन देखा जाता है। ये कोई भी हड्डी में हो सकता है, पैर की, हाथ की, जबड़े की, रीढ़ की, कोई भी हड्डी में हो सकता है, लेकिन ज्यादा करके ये हाथ पैरों की हड्डियों में देखा जाता है। इसका जब फैलाव होता है हड्डी में, जब बढ़ता है और पकड़ में नहीं आता है, तो ये फैल के छाती में जा सकता है, दूसरे हड्डियों में भी जा सकता है। तो जितना जल्दी पकड़ में आता है उतना कम बीमारी का फैलाव होता है और उतना जल्दी हम उसका इलाज कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा करके ये बढ़ते उम्र के बच्चों में देखा जाता है, 8 साल से लेकर 25 साल की उम्र के बीच में ये बच्चों को या यंग एडल्ट्स को देखा जाता है। ये कहाँ कहाँ होता है? तो बॉडी में जो हड्डियाँ है, हाथ पैरों की हड्डियों में, सबसे ज़्यादा घुटने के पास होता है। घुटने के आजू बाजू जो है, जो हम डिस्टल फीमर बोलते हैं और एक प्रॉक्सिमल टिबिया होता है, जो घुटने के ऊपर की और घुटने के नीचे की हड्डियाँ होती है, उसके पास सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जगह है जहाँ से इंसान की हाइट की ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है। तो बढ़ते उम्र के बच्चों में जहाँ से हाइट ज़्यादा होती है वहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटी होती है, वहाँ पर ज़्यादा ट्यूमर होने के चांसेस होते हैं। बाकी जो साइड से वो है शोल्डर के पास, कंधे के पास, हमारे रिस्ट के पास भी हो सकती है, हमारे एंकल के पास भी हो सकती है, हमारे हिप के पास भी हो सकती है। ज़्यादा करके ये जॉइंट्स की तरफ दिखती है, लेकिन ये हड्डी के बीचों बीच भी दिखती है। ऐसा नहीं है कि कभी हड्डी के बीच में नहीं आती, ठीक है। तो ये क्यों होता है? वैसे इसका कोई कारण नहीं है। ये बढ़ते उम्र के बच्चों में जब हड्डी बढ़ती है एज के साथ साथ, जब हाइट का ग्रोथ स्पर्ट आता है, तब ये ज़्यादा करके देखा जाता है। जब एक डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ या कुछ तो बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं जिसकी वजह से ये होता है, ठीक है। दूसरा एक कारण है कि रेडिएशन की वजह से होना। ये बढ़ते उम्र के बच्चों में ना, ये ओल्ड एज में देखा जाता है, जिसको हम सेकेंडरी फॉर्म ऑफ ऑस्टियोसार्कोमा बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादा करके अगर हम देखते हैं कि जैसे लोग बोलते हैं कैंसर फैमिली में जाता है या पेरेंट्स को, माँ बाप को हुआ तो हमें हो सकता है, तो इसमें ऐसा ज़्यादा करके नहीं है। लेकिन छोटी उम्र में, पैदाइशी टाइम पे अगर कोई प्रकार के सिंड्रोम्स होते हैं, कोई प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो उसमें ये टाइप की हड्डी की कैंसर के बनने के चांसेस थोड़े देखे गए हैं, जो मैं थ्योरी बताती हूँ, ठीक है। तो ये जो P53 जीन का म्यूटेशन होता है, इसकी वजह से ही कैंसर होते हैं। तो ये किस प्रकार के होते हैं? हड्डी में बनने वाले ऑस्टियोसार्कोमा जो है, एक प्राइमरी मतलब जो डायरेक्ट बनते हैं, और सेकेंडरी मतलब किसी और वजह से वो उस किसी और बीमारी का परिवर्तन हो जाता है ऑस्टियोसार्कोमा में। तो प्राइमरी ऑस्टियोसार्कोमा जो सबसे कॉमन है, जो हम बढ़ती उम्र के बच्चों में देखते हैं, ठीक है, उसके भी काफ़ी प्रकार हैं। जो एक हाई ग्रेड जो सबसे कॉमन देखा जाता है, जो कन्वेंशनल क्लासिक ऑस्टियोसार्कोमा होता है। दूसरा होता है लो ग्रेड ऑस्टियोसार्कोमा, जो बहुत ही कम मात्रा में फैलाव का या बढ़ने का चांस रखता है। दूसरे जो प्रकार है उसमें से एक पार ऑस्टियल है, एक पेरी ऑस्टियल है, जो ज़्यादा करके सरफेस पे, हड्डी की सरफेस पे होते हैं, वो अंदर नहीं होते हैं, ठीक है।
और फिर एक टेलेंजेटेटिक ऑस्टियोसारकोमा होता है जो एक प्रकार से हमें एक्सरे में या एमआरआई में किसी ना घातक होने वाले बोन ट्यूमर का संदेशा देता है, लेकिन वो बायोप्सी करने में पता चलता है कि कुछ और था। तो वो एक ऐसा प्रकार है जो हम बहुत बार मिस कर जाते हैं। एक्सरे में वो किसी और ट्यूमर जैसा दिखता है जो बिनाइन है, यानी वो जानलेवा नहीं है, वो बॉडी में फैलता नहीं है, सिर्फ उसी जगह पे बढ़ता है। लेकिन ये एक्सरे में बिल्कुल वैसा दिखता है, लेकिन बायोप्सी से हमें पता चलता है कि वो एग्जैक्टली है क्या। सेकेंडरी ऑस्टियोसार्कोमा यानी कि बॉडी में ऑलरेडी कोई हड्डी की बीमारी होने के वजह से अगर उसमें परिवर्तन आता है, जो उम्र के बढ़ते बढ़ते 40-50 साल की बाद की उम्र में जो होता है, उसे हम सेकेंडरी ऑस्टियोसार्कोमा बोलते हैं। जो पहले से होने वाली बीमारी है वो एक पेजेज डिजीज है, ठीक है, पहले कभी रेडिएशन मिला हो तो। बाकी जो दूसरी हड्डियों की बिनाइन बीमारी यानी ना फैलने वाली ना घातक बीमारियां हैं, वो भी बढ़ती उम्र के साथ साथ इस प्रकार का रूप ले सकती हैं। ये जो हम बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी पे भी उसके अलग अलग प्रकार मिलते हैं। जो भी हमने प्राइमरी ऑस्टियोसार्कोमा के टाइप्स देखी, एक्चुअली बायोप्सी से पता चलता है। ऑस्टियोसार्कोमा एक्सरे पे एमआरआई पे ऑस्टियोसार्कोमा जैसा ही दिखता है, उसका कौन सा वेरिएंट है वो हमें बायोप्सी से पता चलता है। तो ये 9 टाइप के अलग अलग वेरियंट है। जो नौवा है, जो एक्स्ट्रा स्केलेटल है, यानी कि ये हड्डी में नहीं होता है, हड्डी के बाहर मांस में होता है, लेकिन इसके अंदर कि जो टिश्यू है वो ऑस्टियोसार्कोमा जैसे ही दिखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे बायोप्सी के दौरान, यानी कि ये हड्डी में नहीं होने वाले प्रकार का ऑस्टियोसार्कोमा है। जो ग्रॉस पैथोलॉजी है, यानी कि जब हम बीमारी निकाल के पैथोलॉजिस्ट को देते हैं या बायोप्सी या पूरा ऑपरेशन करके, तो इस प्रकार का दिखता है। ये इतना ज्यादा हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक फ्लैशी टाइप का मांस जैसा ही अंदरूनी उसका हिस्सा रहता है, सफेद जैसा, थोड़ा सा कड़क रहता है क्योंकि उसकी हड्डी फेंकी गई है, तो हड्डी जैसा कड़क बना उसमें दिखता है। जो ये टेलेंजेटेटिक है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि वो अंदर एक खाली पना रहता है जो बिनाइन बोन डिजीज जैसा दिखता है, तो उसके अंदर ज्यादा करके ब्लड रहते हैं क्योंकि वो खाली कैविटीज रहती है। ये माइक्रोस्कोप के नीचे जो दिखता है, ये ज्यादा करके पैथोलॉजिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। वो देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के सेल्स दिख रहे हैं, और इसी से डायग्नोसिस होता है कि ये ऑस्टियोसार्कोमा है, और ऑस्टियोसार्कोमा है तो किस प्रकार का ऑस्टियोसार्कोमा है और इसको आगे जाके क्या ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है एक कॉमन आदमी के लिए क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, कि क्या होता है जिससे आदमी किसी डॉक्टर के पास या ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास या ऑर्थोपेडिक ऑन्को सर्जन के पास आता है, ये जानने के लिए कि क्या उसको किसी प्रकार की हड्डी की कैंसर की बीमारी तो नहीं हुई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पेन। पेन होता है मतलब दर्द, दर्द बिना मतलब के, बिना चोट लगे, जो बढ़ते ही जाता है, चलने पे, घुटना मोड़ने पे, कुछ भी करने पे जब दर्द बिना वजह बढ़ने लगता है, तो एक संदेशा होता है कि हड्डी में कुछ तो खराब चल रहा है, ठीक है। दूसरा है सूजन। जब हड्डी पे सूजन आती है, ज्यादा करके ये बहुत लेट पता चलता है क्योंकि हड्डी में पहले अंदरूनी तरीके से चेंजेस होते हैं, फिर हड्डी के ऊपर की सूजन आती है जो बाहर की तरफ फैलने लगती है। तो सूजन जब आती है, जो हमें दिखती है, दबाव देने पे कभी कभी दर्द देती है, कभी कभी गर्मावट होता है उसमें, तो ये 2 चीजें सबसे इम्पोर्टेंट हैं, दर्द और सूजन। बिना चोट लगे, बिना किसी कारण का जो दर्द होता है, बिना किसी वजह से जो सूजन आती है, जो अपने आप से नहीं जाती है, दिन ब दिन बढ़ती जाती है, दर्द जो दिन ब दिन बढ़ता जाता है, जो पहले सिर्फ बैठने पे था, बाद में धीरे, पहले सिर्फ चलने पे था, फिर बैठने पे भी होने लगता है, तो ये सब अंदेशा देता है कि हमें बॉडी में कुछ तो खराबी हड्डी में हो रही है, ठीक है। आगे जाके जब सूजन बढ़ती है, तो घुटना या जो भी हिस्सा है उसकी मूवमेंट कम हो जाती है, उसके आजू बाजू के लिम्फ नोड्स में सूजन आ सकती है, ठीक है। अगर बहुत लेट हमें पता चलता है, तब तक छाती में फैलाव हो गया होता है, तो छाती के में फैलाव की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, सांस लेने के टाइम पे आवाजें आ सकती है, पानी में छाती छाती में पानी जमावट हो सकती है, ये सब हमें दिखता है, ठीक है। बुखार वगैरह हर बार कैंसर के साथ नहीं आता, लेकिन किसी किसी पेशेंट्स को दर्द की वजह से बुखार आता है क्योंकि वो सहन नहीं कर पाते और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। तो ज्यादा करके बुखार किसी भी कैंसर की तरफ इशारा नहीं देती है, लेकिन बिना मतलब का सूजन, बिना चोट का दर्द जो नहीं जाता है दवाई लेने के बावजूद भी, ये अंदेशा देता है कि हड्डी में कुछ तो खराब हो रहा है, हमें डॉक्टर के पास जाके कुछ तो जांचें करनी चाहिए, ठीक है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करेंगे, आपको देखेंगे, आपका
हिस्ट्री देखेंगे कि आपको चोट लगी है नहीं लगी है। किसी किसी पेशेंट्स में दर्द हल्का हल्का पहले से रहता है, लेकिन चोट लगने पे जब दर्द बढ़ता है तब जाके उसका एहसास होता है और फिर जाके हम जांचें कराते हैं। तो ये भी एक चीज़ है कि बहुत बार पेशेंट सोचते हैं कि नहीं, हमें चोट लगी इस वजह से वहाँ पे ट्यूमर हो गया, तो वो गलत है। ठीक है, चोट लगने की वजह से आपको एहसास हुआ, इस वजह से आप जाके टेस्ट करवाए और इस वजह से हमें पता चला कि अंदर एक प्रकार का कैंसर या कोई प्रकार की बीमारियां चल रही है। तो सबसे पहले है सादा एक्सरे। एक्सरे में ही पता चल जाता है कि हड्डी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सही है नहीं सही है। और ज्यादा डाउट आता है तो आगे जाके हड्डी के एक्सरे के बेसिस पे हम एमआरआई टेस्ट, सीटी स्कैन, बोन स्कैन वगैरह करते हैं। ठीक है, खून की जांचें भी करते हैं, ज्यादा करके खून की जांचों से कुछ ज्यादा पता नहीं चलता है, लेकिन वो एक प्रकार से मदद करती है समझने में कि हड्डी में क्या चल रहा है और कितना खराब चल रहा है, जिससे आगे का हमें थोड़ा सा अनुमान लग जाता है कि बीमारी कैसे बिहेव करेगा या कैसे आगे बढ़ेगा। प्लेन एक्सरे है, जब हम एक्सरे करते हैं, साधारण एक्सरे जो होता है उसमें हमें दिखने लगता है कि कहीं पे बीमारी की वजह से हड्डी कमजोर हो गई है, हड्डी खोखली हो गई है। उसी के साथ साथ हड्डी फेंकी जाती है इस बीमारी में, इस वजह से हड्डी कहीं कहीं पे ज्यादा डेंस लगने लगती है, ज्यादा गाढ़ी लगने लगती है। तो ये मिक्स्ड लाइटिक स्क्लेरोटिक जो हम बोलते हैं, ये आपके एक्सरे में कभी कभी रिपोर्ट में लिखा जाता है, ये बहुत ही कॉमन प्रेजेंटेशन है एक्सरे पे। कभी खोखलापन, कभी भरा हुआपन, क्योंकि हड्डी फेंकी जाती है, ये एक्सरे में दिखता है। ठीक है, खाली खोखलापन जब दिखता है तो बहुत बार हम इसको एक अलग प्रकार का ट्यूमर मान के भी चल सकते हैं। इस वजह से हमेशा बायोप्सी ही हमें सही रास्ता दिखाती है, वो हम आगे जाके देखेंगे। सादे एक्सरे में क्या दिखता है, जो अगर एक्सरे हमारे हाथ में है, बहुत बार बहुत डॉक्टर्स को ये इतना सटल चेंजेस नहीं समझ में आता। बहुत बार एक्सरे में सच्ची में कुछ नहीं दिखता और बहुत नॉर्मल सा दिखता है, लेकिन क्योंकि बीमारी है या नहीं पता नहीं है, लेकिन पेशेंट को तकलीफ है, पेशेंट को दर्द है, पेशेंट को सूजन है, एक्सरे में समझ में नहीं आ रहा है, तब जाके हम एमआरआई करके भी कंफर्म करते हैं। लेकिन 90% ऑफ द टाइम्स, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम्स में हमें एक्सरे में पता चल जाता है कि हो क्या रहा है। तो एक्सरे में जो दिख रहा है इरेग्युलरिटी, मतलब एक्सरे अगर दोनों हड्डियों का करेंगे, जैसे अगर राइट में तकलीफ है और हम राइट और लेफ्ट दोनों का एक्सरे करके सामने रखते हैं और हमें देखने में आता है कि लेफ्ट जैसे स्मूथ है, तो राइट अगर बीमारी वाली हड्डी है तो वो इरेग्युलर है, थोड़ी अबड़ खुबड़ होती है। ठीक है, उसमें नई हड्डी फेंकी जाने की वजह से न्यू बोन फॉर्मेशन दिखता है। बॉडी में जब भी कोई चेंजेस होते हैं तो बॉडी उसको रेजिस्ट करती है, बॉडी फाइट देती है खराब ना होने के लिए। तो जब हड्डी में कोई चेंजेस होते हैं और हड्डी ही अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, तो हड्डी के सरफेस पे एक प्रकार का रिएक्शन दिखता है, जिसको हम पेरिओस्टियल रिएक्शन बोलते हैं। वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, अलग अलग टाइप के बोन ट्यूमर्स या अलग अलग टाइप के बोन की बीमारियों को अलग अलग डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो इस बीमारी में जो टाइप का पेरिओस्टियल रिएक्शन होता है वो है सनरे अपियरेंस, जैसे किरण, सूरज की किरणें जैसे निकलती है, जैसे हम ड्राइंग में करते हैं, तो या फिर हेयर ऑन एंड अपीयरेंस, यानी कि हम अगर हम एक सरफेस पे अलग अलग जगह से बाल उगाते हैं तो जो लाइनें बनाते हैं उस प्रकार का दिखता है एग्जैक्टली। और ये जो है एक कॉडमैन ट्राइंगल करके भी एक फीचर दिखता है, जो हड्डी से उठ जाती है हड्डी की सरफेस और एक ट्राइंगुलर सरफेस बनाती है या फिर एक एंगल बनाती है, इसको हम कॉडमैन ट्राइंगल बोलते हैं, जो नॉर्मल हड्डी और बीमारी वाली हड्डी के बीच का जंक्शन होता है। तो ये सब चीजें जब एक्सरे में दिखती है तो बहुत क्लियर कट पता चल जाता है कि ये ऑस्टियोसार्कोमा ही है, लेकिन फिर भी हम आगे की टेस्ट करके ही कंफर्म करते हैं। ये जो कॉडमैन ट्रायंगल है उसके बारे में थोड़ा समझाया गया है कि क्यों ऐसा होता है, जब हड्डी अंदर से खोखली हो रही होती है और हड्डी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है तो हड्डी उठ जाती है। तो अगर ये हड्डी है और ऐसे हड्डी में नीचे से बीमारी फेंकी जाती है और हड्डी उठ जाती है, तो इस प्रकार से कॉडमैन ट्रायंगल बनता है। ठीक है, एमआरआई, एमआरआई क्यों हमें करना है, जब एक्सरे में दिख जाता है कि कोई खराबी चल रही है, कोई बीमारी चल रही है, तो एमआरआई से हमें पता चलता है कि अंदरूनी कितना जा रहा है हड्डी के सरफेस के बावजूद, हड्डी के अंदर की जो मैरो होती है उसमें कहाँ कहाँ तक बीमारी गई है। दूसरा होता है कि बीमारी को सॉफ्ट टिश्यू कॉम्पोनेंट होता है, यानी कि एक प्रकार से हड्डी के बाहर भी जब बीमारी आती है, जो सूजन हमें दिखती है, वो सूजन कहाँ तक है, कहाँ कहाँ बीमारी फैल गई है, कहाँ कहाँ बीमारी ने अपना छोड़ दिया है, कौन से टिश्यूज पे बीमारी नहीं गई, क्या क्या हमारा बच रहा है, क्या क्या बीमारी में है, ये समझने के लिए हमको एमआरआई की जरूरत पड़ती है। एमआरआई में ये पता चल जाता है कि खून की नसें जो है,
जो बीमारी के सरफेस पे चल रही है, बीमारी से दूर है, या हम उसको बचा सकते हैं, या बीमारी के अंदर जा रही जिस वजह से हम उसको नहीं बचा सकते, ये सब कुछ हमें एमआरआई बताता है। ठीक है, एमआरआई और एक्सरे मिल के हमें एक प्रकार से प्लानिंग करने में मदद करते हैं कि बीमारी क्या हो सकती है, इसमें बायोप्सी कैसे करनी है, इससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि क्या बायोप्सी में निकलने वाला है, और साथ ही साथ अगर ऑपरेशन का जब प्लान होता है तो इसी एमआरआई और एक्सरे के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कितना हड्डी, कितना बीमारी निकालना है, कितना बचाना है, क्या क्या बचेगा, और हाथ या पैर बचाने की उम्मीद कितनी है, ये सब कुछ हमें एमआरआई बताता है। सीटी स्कैन हम ज़्यादा करके नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी सीटी स्कैन करते हैं ये जानने के लिए कि हड्डी कहाँ से कमज़ोर हुई है, कहाँ पे टूटी है वगैरह। इससे ज़्यादा कोई प्लानिंग में या ट्रीटमेंट में एडवांटेज नहीं है, तो हम सीटी स्कैन का उपयोग नहीं करते हैं। छाती का सीटी स्कैन ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि बीमारी छाती में गई है कि नहीं गई है। ये हम तभी करते हैं जब एक बार बायोप्सी होने के बाद ऑस्टियोसारकोमा का डायग्नोसिस एस्टैब्लिश हो गया होता है। एंजियोग्राम जो है, ये है एक प्रकार से हम पहले यूज़ करते थे कि खून की नस अगर बीमारी से बहुत नज़दीक है तो बीमारी में जो नसें जा रही है, जो खून की नसें बीमारी में जा रही है, वो कहाँ से जा रही है, हमें कहाँ से उनको रोकना या पकड़ना है, या फिर अगर मेन हड्डी के ट्यूमर में ही हमारी मेन नसें चली गई है ये कि नहीं, ये हमें एंजियोग्राम बताता है। जैसे इस एक्सरे में आपको दिख रहा है, एंजियोग्राम में दिख रहा है कि बीमारी यहाँ पे और खून की नस यहाँ से फ्रीली चली जा रही है, यहाँ से अंदर से खून की नसों ने एक तरह की ब्रांचेस दी है जो बीमारी को खून पहुंचा रही है, जिसको हमें रोकना है ऑपरेशन के दौरान। बोन स्कैन, जो एक बार हमें पता चल गया कि ऑस्टियोसारकोमा है तो हम बोन स्कैन और सीटी स्कैन छाती का जो करते हैं, इससे हमें बीमारी के फैलाव का पता चलता है कि बॉडी में और कौन सी हड्डियों में बीमारी ने पकड़ लिया है, या फिर कहाँ कहाँ पे बीमारी हड्डियों में और गई है, नहीं गई है, इससे हमें पता चलता है। छाती का सीटी स्कैन लंग ट्यूमर या लंग सॉरी लंग के फैलाव या लंग मेटास्टेसिस हमें बताता है। जब अगर ये दोनों चीज़ नॉर्मल या नेगेटिव है, इसका मतलब कि बीमारी का कोई फैलाव नहीं है और हमें उसको ट्रीट करने का पूरा पूरा मौका मिल रहा है। कभी कभी हड्डी के या बोन स्कैन में दूसरी हड्डियों में बीमारी का फैलाव दिखता है, इससे हमें ये पता चलता है कि बीमारी दूसरी हड्डी में है, वही हड्डी है, या हड्डी का दूसरा हिस्सा है, या कोई दूसरी हड्डी अलग ही जगह पे है। छाती का बीमारी और हड्डी की बीमारी अगर होती है तो ज़्यादा करके इसका इलाज कितना भी करो हम पेशेंट की जान नहीं बचा पाते, तो ये स्कैन्स हमें ये दिखाते हैं कि ट्रीटमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो किस प्रकार से करनी चाहिए, और आगे हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए कि बीमारी सच्ची में नष्ट हो जाएगी ट्रीटमेंट के बाद, क्या हम पेशेंट को ज़िंदगी का मौका दे रहे हैं, या फिर ये जब तक कीमोथेरेपी चलेगा या जब तक ट्रीटमेंट चलेगा तब तक ठीक है, जिस दिन बंद हो गया उस दिन खराब होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम स्टेजिंग मोडालिटी बोलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ऑस्टियोसार्कोमा फैलाव वाला है या फैलाव वाला नहीं है। ठीक है, ये खून टेस्ट जो है उसमें ज़्यादा करके एलडीएच और अल्कलाइन फॉस्फेटेस इंपॉर्टेंट है, बट इतना कुछ मैनेजमेंट में उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। एलडीएच के हाई लेवल्स होने से हमें इतना समझ में आता है कि बीमारी खराब प्रकार की है, एग्रेसिव प्रकार की है, वो और तेजी से बीमारी बॉडी को नष्ट करने की ट्राई कर रही है, इतना हमें बस आइडिया आता है। बाकी सब टेस्ट हम इसलिए करते हैं कि बॉडी में ट्रीटमेंट चलनी है तो बाकी सब फंक्शन ठीक है कि नहीं है वो जानना जरूरी होता है। बायोप्सी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपका एक्सरे एमआरआई ये सब कुछ हो ही जाता है। आप अगर आप अपने नॉर्मल ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गए, आप आपके रेगुलर डॉक्टर फैमिली डॉक्टर के पास भी गए, इतना आपका हो ही जाता है। अभी इम्पॉर्टेंट है बायोप्सी, जिससे पता चलता है कि ये ऑस्टियोसार्कोमा है या फिर कोई इन्फेक्शन है या फिर ये कोई दूसरा प्रकार का बोन ट्यूमर है। तो बायोप्सी होती है अलग अलग प्रकार की, जो है नीडल बायोप्सी जो सबसे कॉमन है, जो हम रेगुलरली करते हैं और जिससे पूरी तरह से रिजल्ट आते हैं, क्योंकि हमारा 99% का इसका सक्सेस रेट है। इंसिशनल बायोप्सी जो एक प्रकार से किताब में दिया गया है, बहुत सालों से लोग फॉलो कर रहे हैं, बट इसकी ज़रूरत नहीं होती है जब तक कि हमारी नीडल बायोप्सी यानी एक पतली सुई डाल के जो हम टुकड़ा निकालते हैं, अगर उससे हमें कुछ पता नहीं चलता है तो जाके हमें ये करने की ज़रूरत पड़ सकती है, वो भी जबकि ये 2-3 बार फेल हो तब, क्योंकि हमारे पास और बहुत मोडालिटीज़ हैं। सीटी स्कैन से बायोप्सी हो सकती है, सोनोग्राफी से बायोप्सी हो सकती है, तो चीरा मारने की नौबत नहीं आती है। तो बहुत चीज़ इम्पॉर्टेंट ये याद रखने की है कि बिना चीरा मारे आपकी बायोप्सी होनी चाहिए, बिना चीरा मारे आपका डायग्नोसिस होना चाहिए, जिससे क्या बीमारी है हमें पता चलता है और बिना तकलीफ के हम इसका इलाज कर सकते हैं।
जब हमें बायोप्सी करनी होती है, बहुत बार किताबों के लिखा रहता है FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन। इसका बाकी कैंसरों में रोल रहेगा, लेकिन हड्डी के किसी कैंसर में इसका कोई रोल नहीं है। तो FNAC नहीं करनी चाहिए, क्योंकि FNAC करने पे हमें सिर्फ पानी मिलता है, जिससे सिर्फ पता चलता है कि बीमारी है या कैंसर है या नहीं, लेकिन हड्डी का कैंसर का कौन सा प्रकार है ये जानना मुश्किल हो जाता है, और इसके बाद एक बायोप्सी करनी ही पड़ती है। या फिर FNAC में किसी ने बोल दिया ऑस्टियोसार्कोमा है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो ऑस्टियोसार्कोमा है। FNAC के आधार पर हम बहुत बार गलत भी हो सकते हैं। तो नीडल बायोप्सी सबसे इम्पॉर्टेंट है। या तो आप सर्जन करें, या तो सीटी स्कैन द्वारा करें, या तो सोनोग्राफी द्वारा करें, वो डिसीजन सर्जन लेता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बायोप्सी उसी इंसान के द्वारा या उसी इंसान के सुपरविजन में होनी चाहिए जो आपका फाइनल ट्रीटमेंट करने वाला है। क्योंकि जो बायोप्सी जहाँ से सुई डाली जाती है, वो जगह आपकी फाइनल सर्जरी के चीरे की लाइन में आनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। जो अगर गलत तरीके से हो गई तो या तो हाथ पैर काटना पड़ सकता है, या तो फिर बड़ा सा प्लास्टिक सर्जरी लग सकता है ताकि पेशेंट का हाथ या पैर बच सके। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है बायोप्सी। सालों से हम इस पे स्ट्रेस देते आ रहे हैं, लेकिन इसी चीज़ पे आज की तारीख में भी हमारे ही कलीग्स या हमारे ही फ्रेटर्निटी के लोग गलती कर देते हैं और पेशेंट अपनी हाथ या पैर गंवा देते हैं। ये स्टेजिंग सिस्टम है जो लो ग्रेड हाई ग्रेड ट्यूमर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर लो ग्रेड है, अगर सब कुछ एक ही कंपार्टमेंट में या दूसरे कंपार्टमेंट में गया, मतलब हड्डी से बाहर मांस में आया है या नहीं आया है, हाई ग्रेड है तो भी हड्डी के अंदर है, हड्डी के बाहर आया है कि नहीं आया है, और स्टेज 3 यानी कि कोई भी ट्यूमर जिसको कहीं पे भी फैलाव हो गया, छाती में, दूसरे किसी हड्डी में, बॉडी के किसी भी पार्ट में इसका फैलाव हो गया। तो इसके स्टेजेस जो 1, 2 और 3 है, ये एनीकेन स्टेजिंग सिस्टम के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। जब हमारे एक्सरे, MRI और बायोप्सी के आधार पे कोई बोलता है कि आपको एक प्रकार का बोन ट्यूमर है जो ऑस्टियोसार्कोमा हो सकता है, तो एक्सरे के आधार पे जाइंट से ट्यूमर, जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक प्रकार का ट्यूमर जो बिनाइन, जो जानलेवा नहीं होता है, वो एक्सरे में सिमिलर दिखता है, जो टेलेंजाइटिक ऑस्टियोसार्कोमा में भी सेम पिक्चर दिखाता है, वो है जाइंट सेल ट्यूमर। ठीक है, कॉन्ड्रोसार्कोमा, फाइब्रोसार्कोमा, ये सब कुछ सार्कोमा के प्रकार है जो हड्डी में हो सकते हैं। तो बहुत बार एक्सरे, MRI पे काफ़ी बार रेडियोलॉजिस्ट एक डायग्नोसिस दे देते हैं जो इनमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक्सरे, MRI पे हम डायग्नोसिस नहीं कर सकते। हम एक तरीके से डायग्नोसिस की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन डायग्नोसिस सिर्फ बायोप्सी करती है। तो ये एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट जो है, ये एक अलग प्रकार का बिनाइन या ना जानलेवा वाला ट्यूमर है जो खून की गांठें बनी रहती है हड्डी के अंदर। इविंग सार्कोमा अलग प्रकार का हड्डी का कैंसर का ट्यूमर है, जिसके बारे में हम अगले सेशन में बात करने ही वाले हैं। बाकी सब जो है, मेटास्टेसिस, लिम्फोमा, ये अलग अलग जगह से फैल के आई हुई हड्डी में बीमारी होती है जो एक्सरे में दिखती है। लेकिन जब हमें पेशेंट की उम्र पता है, पेशेंट को क्या तकलीफ हो रही है पता है, पेशेंट के एक्सरे के फाइंडिंग्स पता है, तो हमें इसमें से बहुत कुछ एक ही बार में निकाल देते हैं। ये सिर्फ जानने के लिए है कि बहुत बार एक्सरे, MRI के रिपोर्टिंग में इनमें से कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन ये होता कुछ और भी है। तो बायोप्सी ही डिसाइड करता है कि वो क्या है। ये हम थोड़े बहुत ऑस्टियोसार्कोमा के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कॉमन ऑस्टियोसार्कोमास नहीं है, जो कन्वेंशनल ऑस्टियोसार्कोमास नहीं है। ये टेलेंजेटेटिक ऑस्टियोसार्कोमा जो मैं पिछले 2-3 टाइम से बोल रहा हूँ कि ये एक्सरे में हमेशा जायंट सेल ट्यूमर जैसा दिख सकता है, एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट जैसा दिख सकता है, जो दोनों ही बिनाइन ट्यूमर है, जिसमें कोई खतरा नहीं होता है, ज़्यादा करके सिर्फ जगह पे बढ़ता है, ज़्यादा करके फ्रैक्चर हो सकता है, लेकिन जानलेवा नहीं होता। लेकिन बायोप्सी पे ही अगर ऑस्टियोसार्कोमा आता है, तो इसका इलाज ऑस्टियोसार्कोमा के जैसे ही करना पड़ता है। तो एक्सरे, MRI की रिपोर्ट और बायोप्सी की रिपोर्ट जब अलग होती है, तो हमें घबराना नहीं है, क्योंकि बायोप्सी सबसे इम्पॉर्टेंट है, और बायोप्सी सही जगह से सबसे इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार एक एक्सपीरियंस्ड पैथोलॉजिस्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है, जो ज़्यादा करके हड्डी, मांस के ट्यूमर देखते हैं, क्योंकि बहुत से एक्सपीरियंस्ड पैथोलॉजिस्ट भी इस टाइप के ट्यूमर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। इस वजह से इसके अलग अलग वेरिएंट्स और अलग अलग टाइप्स के बारे में इनकी जानकारी थोड़ी सी कम रहती है। तो पेशेंट को एक रिपोर्ट गलत मिल सकता है, या तो अधूरा मिल सकता है, जिस पे ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाता है, या फिर सब कुछ वापस करना पड़ सकता है। तो हमें ये याद रखना है, एज अ पेशेंट, एज अ कॉमन पर्सन, कि हमारा बायोप्सी, हमारा पैथोलॉजिस्ट जो है, वो हड्डी मांस के ट्यूमर के स्पेशलिटी में इंटरेस्ट रखता हो, और इसमें वो सालों से करते आ रहा हो, क्योंकि हमें एक चांस मिलता है। अगर
सर्जन को पैथोलॉजिस्ट का रिपोर्ट बोलता है कि ये जानलेवा ट्यूमर नहीं है, तो सर्जन उसी को बिलीव करेगा कि हमें माइक्रोस्कोप के नीचे इतना अच्छे से देखने नहीं आता है, ना ही हम देख पाते हैं, तो इस वजह से हम रिपोर्ट पे भरोसा करके ट्रीटमेंट करते हैं, और अगर वो रिपोर्ट गलत हुई तो आपका पूरा ट्रीटमेंट गलत होता है। इसी वजह से काफ़ी बार अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं कि ये पैथोलॉजिस्ट के रिपोर्ट को हम रिव्यू करना चाहेंगे, इसके कांच के टुकड़े, स्लाइड्स या मीण के टुकड़े में से हम वापस से अच्छे पैथोलॉजिस्ट को दिखा के डिसीजन लेना चाहेंगे, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि पैथोलॉजिस्ट ने हड्डी का कैंसर बताया है लेकिन उसमें इन्फेक्शन निकलता है, बहुत बार इन्फेक्शन बताया है या फिर कोई नॉर्मल सी गांठ बताई है और वो बहुत खतरनाक टाइप की हड्डी की कैंसर निकलती है, तो अगर हम उसको कैंसर मान के चलते हैं और वो इन्फेक्शन निकलता है तो एक प्रकार से जान को खतरा नहीं, क्योंकि हम ट्रीटमेंट उसको कैंसर मान के चल के कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, बेमतलब का ट्रीटमेंट हो रहा है। वैसे ही अगर उसको हम इन्फेक्शन या कोई नॉर्मल गांठ मान के चल रहे हैं और ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं और वो हड्डी का कैंसर निकलता है, तो जब तक हमें पता चलेगा तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, उसका पूरा बॉडी में फैलाव हो चुका होता है, तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट है ये सब जानना। पारोस्टियल ऑस्टियोसार्कोमा जो ये सरफेस पे होता है, ठीक है, ये ज़्यादा करके एडल्ट्स में होता है, बढ़ते बच्चों में कम देखा जाता है, ये हड्डी के सरफेस से होके बढ़ता है, ये बहुत स्लोली बढ़ता है, ये ज़्यादा करके फैलाव नहीं देता, ये एक अच्छा ऑस्टियोसार्कोमा हम मानते हैं। अगर अगर मुझे अगर ऑस्टियोसार्कोमा होना है तो मैं सोचूंगा कि मुझे पारोस्टियल ऑस्टियोसार्कोमा हो, क्योंकि इसमें बढ़ता बहुत स्लोली है, अंदर की हड्डियों में बीमारी नहीं फैलती है, इसका अलग जगह पे बॉडी के चीज़ों में भी बीमारी का फैलने का जो क्षमता है वो कम है, बहुत लेट फैलती है, और इसमें कीमोथेरेपी भी नहीं लगता है, एक बार ऑपरेशन हो गया बीमारी निकल गई तो हम बीमारी मुक्त हो जाते हैं, और ज़्यादा वापिस आने का डर भी इस बीमारी में नहीं रहता है, इस वजह से इसको हम बेटर प्रोग्नोसिस बोलते हैं। अच्छी टाइप की ऑस्टियोसार्कोमा है पारोस्टियल ऑस्टियोसार्कोमा। पेरिओस्टियल ऑस्टियोसार्कोमा भी सरफेस से आती है, ठीक है, वो भी पारोस्टियल के जैसे ही दिखती है, लेकिन एक्सरे पे थोड़ी सी ज़्यादा अग्रेसिव दिखती है, हमें दिखता है कि वहाँ पे पेरिओस्टियल रिएक्शन हो रहा है, हमें वहाँ पे बायोप्सी में भी दिखता है कि ये ज़्यादा एक्टिव या ज़्यादा सेल्स इसमें ऑस्टियोसार्कोमा के दिख रहे हैं, और इस प्रकार के ऑस्टियोसार्कोमा में हम कीमोथेरेपी देते हैं टू बी ऑन अ सेफर साइड, जबकि ये बीच का है, ये दो नहीं दो डॉक्टर डॉक्टर डिपेंड करता है, बट हम इसको दे देते हैं क्योंकि हम चांस नहीं ले सकते, अगर 1% भी चांस है कि इसमें खराब पना आने का आगे जाके डर है तो कीमोथेरेपी देके हम उसको दूर कर देते हैं। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स, ये क्या होता है कि अगर हमें ऑस्टियोसार्कोमा हो गया है, हम पेशेंट हैं और हमें जानना है कि भाई ये प्रकार का बीमारी है, इसका इलाज है तो हमें कितना फायदा होने वाला है और हम हमारी लाइफ कितनी बची है या क्या, क्योंकि कभी भी कैंसर होता है तो सबसे पहला दिमाग में यही आता है कि कितने साल बचे हैं मेरे पास या मैं कितने साल जीऊंगा, तो प्रोग्नोसिस यही होता है कि आप ट्यूमर का ट्रीटमेंट होने के बाद या ट्रीटमेंट होने से पहले भी हम समझ जाते हैं कि ये ट्यूमर कैसे बिहेव करने वाला है और ये ट्यूमर की वजह से पेशेंट को आगे लाइफ में क्या इम्प्लीकेशंस आने वाले हैं, यानी कि इसके प्रोग्नोसिस कैसे रहने वाले हैं, तो एक्सटेंट ऑफ डिजीज यानी कि कितना बड़ा डिजीज है, कितना फैलाव है उसका, बॉडी में कहीं और गया है, जैसे स्किप मेटास्टेसिस यानी उसी हड्डी के दूसरे भाग में गया है, तो हम पूरी की पूरी हड्डी निकाल सकते हैं, तो प्रोग्नोसिस थोड़ा ओके हो जाता है। अगर वो साथ ही साथ छाती में फैल गया है या दूसरे किसी हड्डी में फैल गया है तो इसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर रहता है, क्योंकि हम इसका पूरी तरह से इलाज शायद नहीं कर पाते हैं। ग्रेड ऑफ द ट्यूमर यानी कि हाई ग्रेड ट्यूमर है या लो ग्रेड ट्यूमर है, हाई ग्रेड ट्यूमर का प्रोग्नोसिस बुरा रहता है क्योंकि वो एक्टिव या अग्रेसिव रहता है, लो ग्रेड ट्यूमर अच्छा रहता है क्योंकि वो एक बार निकल गया तो वापस आने की क्षमता नहीं रहती। साइज ऑफ द लीजन यानी कि कितना बड़ा था जब हमने उसको पकड़ा, क्या वो 2 सेंटीमीटर का था, क्या वो 5 सेंटीमीटर का था, क्या वो 10 सेंटीमीटर का था, तो जितना बड़ा पकड़ में जब आता है एक्सरे एमआरआई में जो दिखता है, जितना बड़ा साइज उसका तब है उस हिसाब से उतना खराब उसका प्रोग्नोसिस होता है। 2 सेंटीमीटर के ट्यूमर का प्रोग्नोसिस अच्छा होता है और 10 सेंटीमीटर के ट्यूमर का प्रोग्नोसिस थोड़ा बुरा होता है। ये भी डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे है, बॉडी के कौन से हिस्से में है, कि वो प्रॉक्सिमल ट्यूमर्स आर वर्स देन डिस्टल ट्यूमर्स यानी कि वो बॉडी के जितना नज़दीक है उतना खराब, बॉडी के जितना दूर है उतना अच्छा, यानी कि अगर कलाई में है तो अच्छा है लेकिन कंधे में है तो बुरा है, ठीक है, तो ये सब है। सेकेंडरी ऑस्टियोसार्कोमा का प्रोग्नोसिस वैसे ही बुरा रहता है क्योंकि ये आता ही उम्र जब ज़्यादा हो गई उसके बाद,
50-60 साल के बाद अगर ये आता है तो ऑलरेडी हमारी बॉडी को इसको लड़ने की क्षमता कम हो गई होती, हमारी इम्यूनिटी कम हो चुकी रहती, तो सेकेंडरी ऑस्टियोसारकोमा का प्रोग्नोसिस वैसे ही पुअर रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं, कितना बड़ा बीमारी, कहाँ पे फैलाव है बीमारी का, वो किस ग्रेड का है, उसकी एक्टिविटी कैसी है और बॉडी के कौन से हिस्से में आया है, इसके आधार पे हमें ये पता चलता है कि ये पेशेंट को जब हम ट्रीटमेंट देंगे, कीमोथेरेपी, ऑपरेशन, जो भी ट्रीटमेंट के हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो पेशेंट कैसे बिहेव करेगा, आगे जाके पेशेंट कैसे जिए। हम ज़्यादा करके बोलते हैं कि ऑस्टियोसार्कोमा का 5 ईयर सर्वाइवल रेट, यानी एक पेशेंट जिसको ऑस्टियोसार्कोमा हुआ है और ट्रीटमेंट लेता है, 5 साल के बाद उनमें से कितने लोग बिना बीमारी के जिंदा रहेंगे। तो आज की तारीख में इंडियन लिटरेचर के हिसाब से जो अच्छे अच्छे सेंटर्स में हमने स्टडीज की है कि अच्छा कीमोथेरेपी मिला है, साइज अच्छा नहीं, मतलब डिसेंट साइज है, बहुत बड़ा नहीं है, वैसे जाके देखेंगे तो 5 साल के बाद 50% लोग बिना बीमारी के नॉर्मल जिंदगी जी रहे होते, यानी कि 100 में से 50 नॉर्मल है, 100 में से 50 को इन 5 सालों के अंदर अंदर या तो बीमारी वापिस आ गई होगी या तो बीमारी ने जान ले ली होगी, वगैरह वगैरह। तो ये बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आज की टेक्नोलॉजी और आज के नए कीमोथेरेपी की मदद से हम ये 50% को 70% की तरफ लेके जाएं, लेकिन इतना ज़रूर है कि बाकी कैंसरों के मुकाबले हड्डी के कैंसर में इलाज होने के बाद प्रोग्नोसिस हमेशा अच्छे रहते हैं। तो ये हमारे ट्रीटमेंट का एक एल्गोरिदम है कि आज हमें पता चल गया कि हमें हड्डी में एक ऑस्टियोसार्कोमा हुआ है, एक्सरे, एमआरआई, बायोप्सी, सीटी स्कैन, बोन स्कैन, पेट स्कैन, जो भी है सब कुछ हो गया है, और अभी हमें जानना है कि हमें ट्रीटमेंट क्या मिलने वाली है। तो ट्रीटमेंट होती है कीमोथेरेपी, जो ऑपरेशन के पहले देते हैं, जिसको हम न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं। उसमें भी अलग अलग प्रकार है, समझ लीजिए 3 से 4 महीने कीमोथेरेपी चलती है, उसके बाद हम वापिस से एक्सरे एमआरआई करके देखते हैं कि कीमोथेरेपी से हमें फ़ायदा हुआ है कि नहीं। कीमोथेरेपी क्या करती है? कीमोथेरेपी कोई जादू नहीं करती, कीमोथेरेपी बीमारी को श्रृंखला गायब नहीं कर देती, बीमारी सिकुड़ नहीं जाती, बीमारी उतनी की उतनी रहती है, थोड़ी कड़क हो जाती है क्योंकि बीमारी को कीमोथेरेपी का जो रिस्पॉन्स होता है उससे बीमारी स्थिर हो जाती है, कड़क हो जाती है, फैलती नहीं है, ठीक है। जो हड्डी थी, जो हड्डी फेंकी जा रही थी, उसी प्रकार का हड्डी का कड़कपना बीमारी में आ जाता है, वो सूजन कड़क हो जाती है, तो ये कीमोथेरेपी ये सब करता है। लोगों को लगता है कि कीमोथेरेपी मिला यानी बीमारी गायब हो जाएगा, ये गलत है। बोन ट्यूमर्स में, स्पेशली ऑस्टियोसार्कोमा में, बीमारी गायब नहीं होती, बीमारी कड़क हो जाती है, स्थिर हो जाती है, जिससे हमें आगे का ट्रीटमेंट करने में मदद मिलती है, यानी कि ऑपरेशन। अगर ऑपरेशन करना है और हमारे हाथ में एक फुग्गा है जो पानी है भरा हुआ है, तो उससे ऑपरेशन करने में फूटने का डर रहता है, लेकिन अगर हमारे हाथ में कुछ कड़क चीज़ें हैं तो हम हाथ से उसको पकड़ सकते हैं, आसानी से ऑपरेशन कर सकते हैं, बीमारी को ही पूरी पूरी तरह से निकाल सकते हैं। और जो एसेंशियल टिश्यूज है हमारे, खून की नस है, ताकत की नस है, जो मसल्स है जिनको हमें बचाना है, उनको हम बचाने में कामयाब हो जाते हैं जब कीमोथेरेपी अच्छे से असर करती है। तो ऑपरेशन के पहले की कीमोथेरेपी, फिर एक्सरे, फिर एमआरआई, उससे हमें पता चलता है कि बीमारी कितनी रिस्पॉन्ड की है, इससे भी हम एक प्रकार का प्रोग्नोस्टिक वैल्यू निकाल सकते हैं कि भाई हाँ, कीमोथेरेपी से अच्छा रिस्पॉन्स आया है तो बीमारी अच्छी तरह से नष्ट हो रही है, यानी कि आगे जाके पेशेंट को फायदा होने वाला है। काफी बार कीमोथेरेपी के बावजूद बीमारी बढ़ती है, क्योंकि हर कीमोथेरेपी से हर बीमारी मर जाए जरूरी नहीं है, काफी बार कीमोथेरेपी से भी हावी बीमारी होती है, जो बीमारी बढ़ती रहती है, और कीमोथेरेपी भले अपना काम करती है लेकिन पूरी तरह से काबू नहीं पा सकती बीमारी पे, तो फिर बीमारी बढ़ती ही रहती है। तो कीमोथेरेपी से ये पता चलता है कि बीमारी ने कैसे रिस्पॉन्स दिया है हमें, हम अच्छे से ऑपरेशन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हाथ या पैर बचाने का ऑपरेशन जो हम सोच रहे थे वो कर पाएंगे, या फिर हमें हाथ या पैर निकालना पड़ेगा ट्यूमर को पूरी तरह से निकालने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, प्री कीमो जो हम एमआरआई और बाद में पोस्ट कीमो एमआरआई का जो कंपैरिजन करते हैं, उससे हम सर्जिकल प्लानिंग करते हैं। सर्जिकल प्लानिंग में क्या होता है, बहुत प्रकार की सर्जरीज है, अलग अलग प्रकार से है। सबसे इंपॉर्टेंट दो टाइप है, एक है जिसमें हम हाथ या पैर बचाते हैं, जिसको हम लिम्ब सल्वेज सर्जरी बोलते हैं, दूसरा है जिसमें हम हाथ या पैर नहीं बचा सकते, जिसको हम एम्प्यूटेशन सर्जरी बोलते हैं। जो भी है करना जरूरी है, क्योंकि बीमारी को बॉडी से निकालना बहुत जरूरी है, बीमारी अगर बॉडी में रह जाती है तो कोई मतलब नहीं इस ऑपरेशन का। तो या तो एम्प्यूटेशन करके पूरी तरह से बीमारी को निकाल दो और फिर नकली हाथ पैर लगा दो, या तो अच्छे से पैर हाथ बचा के, खून की नस, ताकत की नस बचा के सिर्फ बीमारी निकालो और वो खाली पने को अलग तरीके से भरो,
जैसे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट है मेगाप्रोस्थेसिस के द्वारा, या फिर उसी हड्डी को हम रेडिएशन करके वापस लगा सकते हैं, उसी हड्डी को हम क्रायोथेरेपी लिक्विड नाइट्रोजन से पिघला के वापस लगा सकते हैं, या फिर हम उसकी जगह पे सिर्फ रॉड प्लेट सीमेंट डाल सकते हैं। बहुत कुछ अलग अलग प्रकार की है। एक है रोटेशन प्लास्टिक, जिसमें वो पूरा का पूरा कंपार्टमेंट निकाल के हम पैर को घुमा के लगा देते हैं, जिससे हमारा एडी हमारा घुटना बन जाता है और उसपे नकली पैर लगा के पेशेंट चल सकते हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन इसको हम बोलते हैं, बीमारी निकालने के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन मोडालिटीज है वो बहुत सारी है, बहुत अलग अलग प्रकार की है। तो उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन अभी करके कंफ्यूजन करके कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना सिंपल है कि या तो बीमारी निकालने के लिए हाथ पैर निकालना पड़ता है, या तो बचा के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आज की तारीख में अच्छी ट्रेनिंग की वजह से, अच्छे टेक्नोलॉजी की वजह से हम ज्यादा से ज्यादा हाथ पैर बचा के बीमारी निकालते हैं, और उसकी जगह पे कुछ ना कुछ नया स्टील मेटल रॉड डाल के हम हाथ पैर का फंक्शन भी बचाते हैं। कीमोथेरेपी, जैसे हमने डिस्कस किया ट्रीटमेंट मोडालिटीज में, कीमोथेरेपी ऑपरेशन के पहले दी जाती है, ऑपरेशन के बाद भी दी जाती है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी बीमारी के जो खून के रास्ते में फैलाव का जो डर रहता है वो भी हमें नष्ट या कम करना है, तो ऑपरेशन के बाद भी हम कीमोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी अलग अलग प्रकार की होती है, वो आपकी कीमोथेरेपी के डॉक्टर आपको अच्छे से समझाते हैं कि क्या कीमोथेरेपी सही है, क्या कीमोथेरेपी से पेशेंट को फायदा होता है, क्या आप कीमोथेरेपी का क्या साइड इफेक्ट है जो हम कैसे बचा सकते हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। सर्जरी, जैसे मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बीमारी को बॉडी से निकालना, सर्जरी ही मेन स्टे है ट्रीटमेंट का। कीमोथेरेपी, सर्जरी, कीमोथेरेपी, ये एक सीक्वेंस होता है जिसमें पेशेंट को हम बेनिफिट मैक्सिमम दे सकते हैं। तो पहले जैसे हम एम्प्यूटेशन करते थे, आज की तारीख में हम हाथ पैर बचा के सर्जरीज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स आ गई हमारे पास। ठीक है, लिम्ब साल्वेज सर्जरी यही है कि मार्जिन वाइड होना चाहिए, यानी कि बीमारी का अंदर कोई भी कण नहीं छूटना चाहिए, बीमारी के ऊपर एक लेयर का अच्छा टिश्यू होना चाहिए जो बीमारी को पूरी तरह से अंदर रखता है। बीमारी को देख के ऑपरेशन नहीं कर सकते, बीमारी को पूरी तरह से अंदर रख के ऑपरेशन करना पड़ता है। ठीक है, जो भी डिफेक्ट बनता है उसको अलग अलग प्रकार से हम फिट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया एंडो मेगा प्रोस्थेसिस, जो बोन की जगह पे हम मेटल इम्प्लांट से पूरा का पूरा बोन रिप्लेस करता है सांधे के साथ, जिसमें मूवमेंट भी होती है, कभी कभी हड्डी के टुकड़े डालने पड़ते हैं जो सेम साइज के हो या अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े डालते हैं। रोटेशन प्लास्टिक, जो मैंने आपको समझाया कि पूरी तरह से पैर को अलग घुमा देते हैं बीमारी निकालने के बाद, और ये एक आपको फोटो दिख रहा है, इसमें जैसे दिख रहा है कि एडी घुटने की जगह पे आ गई है और इसके नीचे एक नकली पैर लगता है जिसमें हम पूरा मूवमेंट कर सकते हैं। रेडिएशन भी एक प्रकार का ट्रीटमेंट है कैंसर के लिए, लेकिन इस प्रकार के हड्डी के कैंसर के लिए इसका ज्यादा उपयोग नहीं है, क्योंकि हमें जो चाहिए वो ये रेडिएशन इस बीमारी में नहीं कर सकता है, ये बीमारी रेडिएशन से नष्ट नहीं होती है। लेकिन जब ये बीमारी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ऑपरेशन नहीं कर सकते, ऐसी जगहों पे बीमारी आई है जहां पे ऑपरेशन करना नामुमकिन है, या फिर वो ऑपरेशन करने के बाद बॉडी में कोई फंक्शन नहीं बचने वाला है, तो हम रेडिएशन दे के देख सकते हैं ताकि बीमारी थोड़े टाइम के लिए स्थिर हो जाए। काफी बार लंबे टाइम का आराम देती है, काफी बार छोटे टाइम का आराम देती है, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन रेडिएशन तभी यूज कर सकते हैं जब हम ऑपरेशन नहीं करने वाले या फिर ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी आज की तारीख में नए टेक्नोलॉजी है जो ज्यादा करके वापिस आने वाली बीमारी या जो रिस्पॉन्स नहीं देती उस बीमारी पे हम यूज करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक अपने आप में है जिसका मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या कीमोथेरेपी के डॉक्टर ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इम्यूनोथेरेपी भी एक प्रकार का हमारा वेपन है इस प्रकार की बीमारी के लिए। फॉलोअप एंड प्रोग्नोसिस, मतलब आपका इलाज हो गया, आपका कीमोथेरेपी हो गया, आपका सर्जरी हो गया, आपका उसके बाद का कीमोथेरेपी हो गया, आपका ट्रीटमेंट एक ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट की तरफ से कंप्लीट हो गया है, तो आगे क्या होता है? आपको आगे कुछ नहीं, हर 6 महीने पे हम चेक करते हैं, एक्सरे करके छाती का और जिस जगह का ऑपरेशन हुआ है उसका, और देखते हैं क्या बीमारी वापस आया है कि नहीं आया है, और छाती में सब कुछ सही है कि नहीं सही है, जो हमने सांधा डाला है या जो हमने रिकंस्ट्रक्शन मेथड यूज किया है वो सब सब जगह पे है या नहीं है, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो रिलैक्स या रिकरेंस बहुत कॉमन है, क्योंकि मैंने आपको समझाया कि 5 ईयर्स के बाद बहुत कम लोग होते हैं जिनको बीमारी कभी नहीं आई होती है, 50% लोगों को बीमारी कहीं ना कहीं वापस आई होती है, तो ये सब एक्सरे, एमआरआई, स्कैन्स करके हमें वो वापस से पकड़ना होता है और देखना होता है क्या इसका इलाज वापस करना मुमकिन है या नहीं, या फिर
ये बहुत ही खराब प्रकार का बीमारी है। हम कुछ भी करें हम हार ही जाएंगे और बीमारी हम पे हावी हो जाएगी। ये 5 ईयर सर्वाइवल रेट पुराना है, पहले 25% तक ही था, आज की तारीख में हम उसको 50-55% तक ला चुके हैं। ठीक है, तो ये है ऑस्टियोसारकोमा के बारे में जो भी हमें मैं आपको समझा सकता था एज अ कॉमन पर्सन, आप जो जान सकते थे जिससे आपको इसको जल्दी पकड़ने में या फिर इसका जल्दी इलाज करने में मदद हो, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, इसका अलग प्रकार का जो हड्डी का कैंसर का ट्यूमर है, इविंग सार्कोमा, जो सेकेंड कॉमनेस्ट हड्डी का कैंसर है, उसके बारे में हम अगले हफ्ते में डिस्कस करने वाले डॉक्टर प्रतीक हेगड़े, वो भी हड्डी के कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, वो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर कोई क्वेश्चंस है, अगर कोई डाउट्स है, तो हम उसके बारे में भी डिस्कशंस कर सकते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन आंसर में आए हैं क्वेश्चंस, तो अगर हम आंसर करेंगे तो हमें पूछा गया कि व्हाट इज द सर्वाइवल रेट ऑफ ऑस्टियोसारकोमा, तो आई होप के इस सेशन के दौरान आपको उसका भी आंसर मिल चुका हो। हु इज मोस्ट लाइकली टू गेट अ सार्कोमा, ऐसा कुछ नहीं है, ये मुंह के या पेट के कैंसरों के जैसा आदतों के वजह से होने वाला कैंसर नहीं है, ये बढ़ते बच्चों में होता है। एक 50 ईयर्स के एज ग्रुप के बाद में जो होता है, जो सेकेंड स्पर्ट या सेकेंड एज ग्रुप होता है, वो सेकेंडरी सार्कोमा में दिखता है। तो मोस्ट लाइकली अगर हम देखेंगे तो बढ़ते हुए बच्चे जिनको हड्डी का कैंसर हो सकता है, वो मोस्ट लाइकली एज ग्रुप होता है। इज ऑस्टियोसारकोमा कैंसर डेडली? तो यस इट इज डेडली, इट हैज टू बी ट्रीटेड प्रॉपरली, अदरवाइज ये जान लेके ही जाता है, हमें ऑप्शन या हमें दूसरा चांस नहीं देता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड आउट अ गुड टेक्नीशियन फ्रॉम लैब फॉर चेकिंग बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। जितना मुझे क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आपको ये जानना है कि आपकी हड्डी की क्वालिटी कैसी है, आपकी हड्डी में कैल्शियम विटामिन डी की मात्रा कैसी है, उसकी डेंसिटी कैसी है। तो लैब टेक्नीशियन नहीं, एक प्रॉपर सेंटर या प्रॉपर लैब होता है जो ये सब ब्लड टेस्ट से कर सकती है, या फिर बोन मिनरल डेंसिटी की टेस्ट होती है, डेक्सा स्कैन करके हम पता कर सकते हैं कि बोन मिनरल डेंसिटी कैसी है। ज्यादा करके ऑस्टियोसार्कोमा पेशेंट्स में बोन मिनरल डेंसिटी उसी एरिया में कम पाई जाती है, लेकिन वो अलग चीज है बोन मिनरल डेंसिटी, और ऑस्टियोसार्कोमा में होने वजह से हड्डी की कमजोरी अलग है। बट अगर आपका आंसर इससे मिल जाता है तो ठीक है, वरना हम और इस पे स्पष्टता पा सकते हैं। थिंक और कोई क्वेश्चंस नहीं है, और कुछ डिस्कशन अगर हमें करना है तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये होते होते हम यही वापस एक बार डिस्कस करेंगे। एक नया क्वेश्चन आया कि हाउ फास्ट डज ऑस्टियोसार्कोमा ग्रो, इट कुड बी वेरी फास्ट, इट कुड बी वेरी स्लो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ द ट्यूमर एंड द अग्रेसिवनेस। जैसे हमने देखा कि पारोस्टियल ऑस्टियोसार्कोमा थोड़ा स्लो ग्रो करता है, नॉर्मल कन्वेंशनल ऑस्टियोसार्कोमा भी स्लो ग्रो कर सकता है, वो बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है कि हम कितना उसको लड़ रहे हैं, हम कितना उसको झगड़ रहे हैं और कितना हम उस पर कामयाबी पा रहे हैं, उससे उसका ग्रोथ या फिर उसकी स्पीड डिपेंड करती है। लेकिन हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना कब ग्रो हुआ हो। जैसे कि आज अगर आप मेरे पास आते हो और हमें बहुत बड़ा ऑस्टियोसार्कोमा दिखता है, लेकिन आप बोलेंगे कि 2 महीने पहले तो कोई तकलीफ भी नहीं थी, कोई सूजन भी नहीं था, तो हो सकता है कि 2 महीनों में इतना बढ़ गया हो सकता है कि पहले सूजन छोटी हो जो आपको महसूस ना हो रही हो, धीरे धीरे बड़ा हो। तो ऐसा कोई अंदाजा नहीं है कि हम फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर के साथ डील कर रहे हैं या स्लो ग्रोइंग ट्यूमर के साथ डील कर रहे हैं जब हम उसको पहली बार देखते हैं। लेकिन हाँ, अगर आज आपका एक्सरे एमआरआई हो गया है और हम ट्रीटमेंट आपकी शुरू कर रहे हैं, और किसी भी वजह से कोई हमें डिले हो रहा है, पैसों की वजह से, सुविधा की वजह से, पेशेंट की हेल्थ की वजह से, और फिर अगर सूजन सडनली बढ़ने लगता है, तो हम डेफिनेटली उसको तब जाके बोल सकते हैं कि फास्ट ग्रोइंग है या नहीं। और पेट स्कैन होते होते या फिर कीमोथेरेपी शुरू होते होते अगर एमआरआई और उस साइज में डिफरेंस आता है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ डेफिनेटली ये 15 दिनों में बहुत बड़ा है, तो ये फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर है। ठीक
15-20 दिनों में इसमें ज्यादा करके कोई फर्क नहीं पाया जाता। ये लंबे समय में ही समझ में आता है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस हुआ है या नहीं हुआ है। थैंक यू। चाय करने का